हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मैं नमस्कार। आप सभी का रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पाइप्स एंड फिटिंग्स बनाने वाली एक कंपनी प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स के बारे में, जिसमें कि आज हम लोगों ने तकरीबन 5% की शानदार तेजी देखी है और ये स्टॉक 732 रुपये के आसपास जाकर के क्लोजिंग देता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर इसके 52 वीक हाई की बात करें दोस्तों, तो ये तकरीबन 900 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। वहीं 52 वीक लो तकरीबन 300 के आसपास है, तो ये अपने 52 वीक लो से काफ़ी ऊपर और 52 वीक हाई से कुछ नीचे ट्रेड कर रहा है। तो इस एनालिटिकल वीडियो के जरिए दोस्तों, हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रिंस पाइप कैसी कंपनी है, इसके फंडामेंटल्स मजबूत है या खराब है, और इसने अभी तक अपने निवेशकों को किस प्रकार का रिटर्न दिया है, और हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर इसके चार्ट को देखें तो चार्ट में ये दोस्तों काफी दिनों से, या बोलिए महीनों से, ये लगातार कंसोलिडेशन के फेज में चल रहा है। बहुत ही लंबा समय गुजारा है इसने कंसोलिडेशन में। तो हम लोग क्या उम्मीद करें, क्या जो इस स्टॉक में तेजी बन रही है इन स्तरों से ये स्टॉक ऊपर निकल पाएगा और क्या ये न्यू लाइफ हाई बना पाएगा, इन्हीं सब बातों को हम लोग इस एनालिटिकल वीडियो के डिस्कशन में लाने वाले हैं। तो छोड़ के जाना नहीं है दोस्तों, शुरू से लेकर के अंत तक बने रहोगे ताकि कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रिंस पाइप के ओवरऑल ट्रेंड को समझने की कोशिश करते हैं चार्ट के माध्यम से। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि ये लगातार हायर हाई हायर लो बना करके ये स्टॉक चल रहा था और इसने तकरीबन 900 का हाई बनाया, और जैसा कि अभी हम लोग डिस्कशन में लाए थे कि ये करेक्शन में है, कंसोलिडेशन में चल रहा है काफी दिनों से। तो क्या ये आगे जा सकता है दोस्तों? आगे वही स्टॉक जाता है जिसके फंडामेंटल्स बहुत मजबूत देखने को मिलते हैं और कंपनी के रिजल्ट काफ़ी कंसिस्टेंट रहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले प्रिंस पाइप के जो फंडामेंटल्स हैं उसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि वो कैसे देखने को मिल रहे हैं। तो स्क्रीन पर दोस्तों हम लोग लास्ट 5 ईयर्स के सेल्स ग्रोथ को देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्रिंस पाइप के जो सेल्स हैं ईयर ऑन ईयर लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, और इसने FY21 में लाइफ हाई सेल्स रिपोर्ट किया था। वहीं अगर इसके नेट प्रॉफिट की बात करें सेम पीरियड में, तो नेट प्रॉफिट देखिए दोस्तों, ये लगातार हायर हाई बना करके चल रहे थे और इसने लाइफ हाई 221 करोड़ का शानदार नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया था FY 2021 में। तो काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी लग रही है, न केवल इनके सेल्स ग्रोथ बल्कि नेट प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं कि बैलेंस शीट में इनके रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ रहे हैं कि नहीं। तो रिजर्व एंड सरप्लस भी इनके 200 करोड़ से बढ़ करके FY17 से FY21 आते आते तकरीबन 950 करोड़ हो गए हैं। तो यहाँ पर 4 गुना से ज़्यादा का जंप देखने को मिल रहा है इनके रिजर्व में। तो बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन की है, बहुत ही अच्छे ढंग से अपने बिजनेस को मैनेज किए, जिसके चलते इनके फंडामेंटल इतने स्ट्रांग देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसके जो मार्जिन है वो कैसे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर देखिए, इनके मार्जिन लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। FY21 में इसने लाइफ हाई तकरीबन 11% का मार्जिन रिपोर्ट किया था। तो मेरे हिसाब से दोस्तों बहुत ही बेहतरीन लग रही है मुझे ये कंपनी, और हर तरीके से इसके सारे जो रिटर्न रेशियो हैं, मार्जिन रेशियो हैं, वो सारे के सारे बहुत ही अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि लेटेस्ट जो इनके क्वार्टरली रिजल्ट हैं वो कैसे देखने को मिले। स्क्रीन पर दोस्तों हम लोग प्रिंस पाइप के क्वार्टरली रिजल्ट को देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इनके रेवेन्यू में काफ़ी
तगड़ा जंप देखने को मिल रहा है। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर भी हम लोग अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जून क्वार्टर में लॉकडाउन का भी असर देखने को मिला था, जिसकी वजह से जून क्वार्टर में हम लोग देख रहे हैं ये अपने एवरेज रिपोर्टेड रेवेन्यू से इसके रेवेन्यू कम देखने को मिल रहे थे। फिर भी हम लोग देख रहे हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इनके रेवेन्यू में काफी अच्छा ग्रोथ है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर छोड़ भी दें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर काफी जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वहीं सेम पीरियड में अगर नेट प्रॉफिट की बात करें कि नेट प्रॉफिट बढ़े या घटे, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इनके नेट प्रॉफिट में अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से अभी तक हम लोगों ने देखा कि प्रिंस पाइप के एनुअल रिजल्ट भी काफी अच्छे देखने को मिलते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट भी काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। तो हम लोग उम्मीद करेंगे दोस्तों कि ये जो कंपनी रेवेन्यू ग्रोथ दिखा पाई है अभी तक, वो आने वाले समय में भी अवश्य दिखा पाने में सफल रहेगी, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनी भी है और अभी बजट आने वाला है दोस्तों, तो बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के काफी माहौल जो है फेवरेबल रहेगा। तो प्रिंस पाइप, एस्ट्रल टेक और सुप्रीम इंडस्ट्री जैसी जो मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनी है, इसमें हम लोग आने वाले समय में तेजी होता हुआ अवश्य देखेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि प्रिंस पाइप ने इतना अच्छा प्रदर्शन दिखाया है तो ये रिटर्न अभी तक कैसा दे पाई अपने निवेशकों को। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि 6 महीना में तकरीबन 2%, 1 महीना में तकरीबन 2%, ईयर टू डेट में तकरीबन 4.5%, जो कि इसने आज ही इतनी बढ़त हासिल की है। यानी कि जनवरी से लेकर के अभी तक प्रिंस पाइप के जो ग्रोथ थे वो म्यूटेड देखने को मिल रहे थे इन टर्म्स ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ प्राइस। तो अभी तक इसने जनवरी से अभी तक कोई खास रिटर्न नहीं दिया है। वहीं अगर 1 साल के रिटर्न की बात करें तो 152% का शानदार रिटर्न ये दे चुका है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शेयर इन स्तरों से अब ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो हम लोग चार्ट पर आएंगे और चार्ट को एनालाइज करेंगे, उससे पहले हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं कि बड़े निवेशकों का रुझान इस शेयर में कैसा है। तो हम लोग यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग फैक्टर देख रहे हैं दोस्तों कि एफआई इस स्टॉक में लगातार अपना स्टैक बढ़ा रहे हैं और उनका दिसंबर क्वार्टर में सबसे हाईएस्ट स्टैक देखने को मिल रहा है 4.84 का। तो हम लोग ये मान करके चल रहे हैं, जैसा कि हम लोगों ने पाया है कि प्रिंस पाइप के फंडामेंटल बेहतरीन देखने को मिले हैं, बहुत ही मजबूत देखने को मिले हैं, उसी प्रकार से एफआईज भी इस स्टॉक को लेकर काफी आश्वस्त हैं और उन्होंने अपना स्टैक लगातार इस स्टॉक में बढ़ाया है। और डीआईज की बात करें तो डीआईज भी अच्छा खासा तकरीबन 14% की होल्डिंग प्रिंस पाइप में रखते हैं। तो हम लोग कुल मिलाकर बोल सकते हैं कि बड़े निवेशक भी इस स्टॉक को लेकर के बुलिश हैं। तो हम लोग अब उम्मीद करेंगे दोस्तों कि जो तेजी इसमें बन रही है तो ये स्टॉक रिकवरी मोड में आ चुका है और ये रिकवरी आने वाले समय में भी जारी रहेगी और जल्द ही हम लोग इस स्टॉक को अपने जो लाइफ हाई है तकरीबन 900 रुपये के आसपास उस स्तर पर अवश्य जाता हुआ देख पाएंगे, क्योंकि इनका जो कंसोलिडेशन का दौर है वो काफी लंबा तकरीबन 1 साल हो चुका है और कंपनी में कहीं भी कोई खराबी नहीं देखने को मिली है। तो हम लोग अवश्य ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ये शेयर इन स्तरों से अब ऊपर निकलने के लिए तैयार है। आप आज, कल, परसों, कहने का मतलब है कि नेक्स्ट वर्किंग डे जब मार्केट खुला हो तो हम लोग प्रिंस पाइप में काफी तेज विस्फोट भी होता हुआ देख सकते हैं, ऐसा हम लोग मान करके चल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। तो अभी तक आपने लाइक कर लिया होगा, लाइक नहीं किया तो लाइक तो करना बनता है, और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। मैं इस प्रकार के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार आप भी उसके साथ शेयर करता रहता हूँ। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।